नमस्कार साथियों मैं हूं अभिनत प्रशांशु पांडेय और आप सभी का स्वागत है अभिपक्षा की पूरी टीम की तरफ से हम आपसे जो है चर्चा कर रहे थे कि कक्षा बारहवीं की भौतिकी के लिए मैं आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं लेकिन यदि आप कक्षा दसवीं में हैं या बारहवीं में है मतलब किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अभिक्षा की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है हमें आपको हर एक सब्जेक्ट में कंटेंट प्रोवाइड करने में बहुत खुशी हो रही है तो इसी तरीके से अगर आप हमारे एप्लीकेशन में आते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में भी आपको एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से एक अलग सेक्शन नजर आएगा और यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपको ये सारे वीडियोज़ जो यूट्यूब में नज़र आ रहे हैं बल्कि एडिशनल मटीरियल माइंड मैप और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो आप जल्दी से जल्दी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अगर आप YouTube में ये वीडियोस देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें चलिए आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी हम लोगों ने का प्रमेय देखा था हम लोगों ने बायोसिवर्ट्स के नियम देखे थे और हम लोगों ने इसके अनुप्रयोग के बारे में बात की थी आखिरी चर्चा हमारी इस विषय में हुई थी और इसके लिए जो है हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन देखा हुआ था और आज हमारी चर्चा का विषय है अनंत लंबाई के तार के तारकेले चुम्बकीय क्षेत्र ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको पता होगा कि इस मतलब इस चैप्टर में जो है मार्क एलोकेशन क्या है और उस हिसाब से जो है इसको पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले आपको समझना ये है कि हमारे पास में एक तार है अब इस तार की लंबाई हमको ये नहीं पता है कि कितनी है इसके अलावा हमको और क्या चीज़ें नहीं पता है हम इस तार के बीच में से कहाँ पर से किस लंबाई से जो है आ, एक बिंदु सेलेक्ट करेंगे ये भी हमको नहीं पता है हमको सिर्फ ये पता है कि हमारे बिंदु की जो है जो दूरी है इस तार से वो कितनी है वो है ए और हम लोगों ने फिर क्या किया कि हम लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उस छोटे से टुकड़े का नाम रख दिया डी एल तो ये डी एल जो है अगर हमारे बिंदु से एल लंबाई के नीचे है अब यहाँ पर जो है हमको इसमें से प्रवाहित धारा कितनी है भैया आई है तो हमको जो है आई डी एल मिल जाता है आई डी एल ये हो गया हमारा क्या करंट एलिमेंट अब जो है इसकी लंबवत दूरी कितनी है ए है और अब हमको क्या निकालना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता निकालनी है चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस छोटे से टुकड़े से जो है जब हम जो है अपने बिंदु की दूरी निकालेंगे तो इस दूरी का नाम हम रख देंगे आर अब आर निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं और ये आर होता है क्या आर बराबर आर बराबर का का वर्ग धन, वर्ग धन ये हो गया हमारा पहला तरीका ठीक है अब दूसरा तरीका क्या है तो भैया हमको जो है यहां पर क्या दिखाई दे रहा है देखिए यहां पर जो है हम एक कोण ले, ले लेते हैं और ये कोण है थीटा अब इस कोण थीटा के लिए जो है हमको साइन थीटा वाला बायोसेवर्स लॉ का नियम पता है लेकिन अब हम एक और चीज़ देखते हैं अब वो ये देखते हैं कि यदि जो है हम ये ये जो देखिए ए यहाँ ले लेंगे बी और ये पॉइंट हो गया पी तो ए बी पी ये हमारे पास में एक त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है ये तो इस समकोण त्रिभुज में ये वाली दूरी तो ए हो गई और ये लंबवत दूरी जो है वो एल हो गई और यहां पर हम लोगों ने कोण लिया हुआ है ये है हमारा थीटा लेकिन यदि जो है हम यहां पर देखें तो ये नब्बे अंश है और इस प्रकार से जो है हमारा जो दूसरा कोण है यहां पर ये वाला फाइव ये हो जाएगा फाइव बराबर फाइ बराबर नब्बे माइनस थीटा ठीक है तो फाइव बराबर नब्बे ऋण थीटा ये भी हमको पता चल गया अब हम आगे क्या करने वाले हैं अब हम ये देखेंगे कि अगर हम जो है टेन फाइव निकालें टेन फाइव निकालें तो टैन फाइव क्या होगा भाई टेन फाइव और टेन फाइव कितना होता है तो टेन फाइव के लिए जो है भाई टेन का मान होता है लंब बटे आधार ये हमारा फाइव है फाइव के लिए जो है हमारा लंब क्या हो गया एल और आधार क्या हो गया ए तो यहाँ पर से देखेंगे तो ये हो जाएगा एल बटा ए बराबर फाइव अब इससे जो है हम बोल सकते हैं कि एल बराबर एल बराबर एल बराबर ए e टेन फाइव अब यहां जो देखिए कि अगर हम जो है यहां पर निकालने चा, निकालना चाहें डी एल बाई डी फाइव हम क्या निकालना चाहते हैं हम निकालना चाहते हैं डी एल बाय डी फाइव तो यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा यहां पर हो जाएगा डी बाई डी फाइव ऑफ ए टेन फाई और यहां पर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा डी एल बटा डी फाइव डी फाइव बराबर ए टेन टेन फाइव का क्या होता है सेक स्क्र फाइव सेक स्क्र फाइव ठीक है अब यहां से जो है हमको और क्या जानकारी निकली डी एल बराबर ए सेक स्क्वायर डी फाइव फिर से देखो Dl बराबर ए phi डी phi हम लोगों ने ये डी phi का तीरिया गुणा करके इसको यहां पर रख दिया तो ये जानकारी हमारे जान हमको जो है याद रखने वाली है इसको हम याद रखेंगे अब जो है हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको और क्या क्या चीजें जाननी है ये देखते हैं ठीक है अब जो है यहां पर जो है हम एक चीज और देख चुके हैं कि फाई का मान होता है नब्बे ऋण थीटा नब्बे ऋण थीटा तो अब जो है हम थोड़ा सा बायोसेवर्ट्स के नियम में ये देखते हैं कि डीबी का मान क्या होता है डीबी बराबर म्यू जीरो बाई फोर पाई और यहां होता है आई यहां होता है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का वर्ग अब यहां पर जो है हमको साइन थीटा नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए भाई हमको जो है फाइव के रूप में जो है सारी जानकारी चाहिए तो यहां जो है जो साइन थीटा है उसको हम क्या बोल सकते हैं देखिए यहां पर ये यह जो समकोण त्रिभुज है यहां पर इन दोनों का मान सेम है तो साइन फाइव का साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन नाइनटी माइनस फाइव देखिए साइन नाइन्टी माइनस फाइव और ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा कॉस फाइव ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी भाई साइन नाइन्टी माइनस फाइव बराबर कॉस फाइव ये चीज तो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में पढ़ा है और अगर आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन याद नहीं है तो परीक्षा से पहले आप क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देखेंगे जहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं चलिए अब यहाँ पर जो है हमको समझ में आ गया कि ये हो जाएगा म्यू जीरो बाई फोर पाई और यहां हो जाएगा आई अच्छा डी एल की वैल्यू क्या ली थी हम लोगों ने डी एल की वैल्यू ली थी हम लोगों ने ए सेक स्क्र फाइव डी फाइव तो यहां पर ले लेते हैं ये हो जाएगा ए सेक स्क् और यहां पर जो है हो जाएगा साइन साइन नहीं यहां पर हो जाएगा कॉस फाइव कॉस और इसके बटे में जो है यहाँ पर जो है ये r का वर्ग है अब जो है अब आप और आगे देखेंगे तो ये r का वर्ग बराबर l का वर्ग हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने देखा था r का वर्ग बराबर l का वर्ग धन a का वर्ग तो यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ से जो है अह हां हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आइए देखते ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और यहाँ पर है एल यहाँ पर है ए और ये हो गया आर और यहाँ लिख सकते हैं हम आर का वर्ग बराबर एल का वर्ग धन ए का वर्ग अब जो है देखिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं भाई अगर मैं ए बाहर निकालना चाहूँ तो आर का वर्ग बराबर ए का वर्ग और यहाँ हो जाएगा देखिए इसके लिए वन प्लस एल का वर्ग बटा ए का वर्ग और यहाँ से जो है मैं इसको फिर से बोल सकता हूँ R का वर्ग बराबर A का वर्ग और यहाँ हो जाएगा एक धन L बटा A और पूरे का वर्ग ये हो गया अब ये कहानी में L बटा A है क्या L बटा A जो है यहाँ अगर मैं इस एंगल को मान के बैठा हूँ तो ये हो जाएगा L बटा A बराबर tan फाइ तो ये हो जाएगा R का वर्ग बराबर A का वर्ग और यहाँ हो जाएगा one प्लस tan फाइव टेन स्क्वायर फाइव अच्छा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर हो जाएगा आर का वर्ग बराबर ए का वर्ग और ये हो जाएगा सेक, सेक स्क्वायर फाइव अब ये जानकारी जो है मैं यहां डालने वाला हूं तो यहां क्या हो जाएगा यहां देखिए बी की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो म्यू जीरो बाई फोर पाई ठीक है और यहाँ हो जाएगा आई उसके बाद में ए सेक स्क्वेयर फाइ डी फाइव कॉस फाइ बट आ यहाँ देखिए यह हो जाएगा ए का ए का वर्ग सेक स्क्वेयर ए का वर्ग और ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर फाइव अब जो जो चीज़ें कट सकती हैं उनको कटाना हमारा धर्म है इसलिए हम कटा देंगे ये ए कट गया ये ए कट गया ठीक है ये सेक स्क्वायेयर कट गया ये सेक स्क्वायेयर कट गया आई तो वहीं रहेगा तो हम लोगों को मिलता है बी बराबर म्यू ज़ीरो बाई फोर पा ये डी बी की वैल्यू है ना ये डी बी की वैल्यू है तो डी बी बराबर म्यू ज़ीरो बाई फोर आई बाई ए और यहाँ पर हमको मिलता है कॉस फाई डी फाइव अब अब आप देखिए अब यहां पर जो है यदि हमको कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता निकालनी है इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है हम सिर्फ इस छोटे से पीस के लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता निकाल रहे हैं लेकिन यदि हमको जो है पूरे तार के लिए जो है जो कि अनंत लंबाई की है और जिसके बारे में हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे मतलब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कुल मिला के चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी और यहां जो है हम ये चुंबकीय कुल मिला के तीव्रता निकालने के लिए यहां पर भी समाकरण करेंगे और जितने भी नियतांक है जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएंगे तो अब हमको क्या मिलता है नए पेज में देखिए हमको मिलता है बी बराबर म्यू जीरो बाई फोर पाए और यहाँ मिलता है आई बटा ए आई बटा ए और यहाँ कुल मिला के इंटीग्रेशन होता है किसका यहाँ देखिए कॉस फाइव डी फाइव तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस फाइव डी फाइव अब यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन है भैया तो इंटीग्रेशन जब है तो जो है हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन जब है तो जो है कॉस फाइव डी फाइव का जो है कॉस का क्या होता है कॉस का होता है साइन तो यहाँ पर जो है हमको इंटीग्रेशन मिल जाएगा अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा चित्र में देखिए तो चित्र में आपको क्या नजर आता है कि यहाँ पर जो है कोण जब हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं तो हमको फाई टू दिखाई देता है और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर फाइव वन हो जाता है अगर अनंत लंबाई का तार होगा तो फाइव वन का मान नब्बे अंश हो जाएगा और फाइव टू का मान भी नब्बे अंश हो जाएगा इस प्रकार से हमको फाइव टू से फाइव वन की लिमिट मिलती है वही चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर फाइव टू और यहाँ पर फाइव वन अच्छा अब जो है कोण को नापने का तरीका हम देखते हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ से जब आप ऊपर कोण नाप रहे हैं तो ये धनात्मक है और जब आप यहाँ से नीचे कोण नाप रहे होंगे तो ये ऋणात्मक है तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा अब जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको बी का मान मिलता है बी बराबर म्यू जीरो बाय फोर पाई और यहाँ पर होगा i बाई ए और यहाँ देखिए कॉस का होता है साइन तो यहाँ पर हो गया साइन फाइव और इसमें जो है लिमिट हो जाएगी फाइव टू और ये हो जाएगी फाइव वन तो जो है अब होगा बी का मान बी बराबर बी बराबर म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई और यहाँ हो जाएगा i बाई ए और यहाँ हो जाएगा साइन फाइ फाइव वन माइनस साइन फाइ टू क्योंकि हम लोगों ने कोण को नीचे जो है ऋणात्मक नापा हुआ है इसलिए माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू फाइव और ये जो है खुद ऋणात्मक है इसलिए यहां पर जो है हमको क्या मिल जाएगा साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू अब जो है हमारा जो कोण नापने का तरीका है वो दोनों का दोनों जो है एक ही दिशा में नापा जा रहा है और यहां पर हमको म्यू जीरो फाइव ये जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर मिल गई पांच नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है यह डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण भी है और जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जब आप जो है जेईई या नीट दिला रहे होंगे उस समय में इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं किस प्रकार के एप्लीकेशंस हो सकते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें